वह अध्यात्म की नगरी सिवरीनारायण में मांगी पूर्णिमा के अवसर पर चित्रोत्पला गंगा महाआरती का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें नगरवासियों सहित दूर दूर से आए हुए लोगों ने अपनी सहभागिता निभाते हुए गंगा महाआरती में शामिल हुए। धर्म एवं अध्यात्म की पावन धरा श्री सिवरीनारायण में माघी पूर्णिमा के अवसर पर चित्रोत्पला गंगा महाआरती का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें नगरवासियों सहित दूर दूर से आए हुए लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कार धानी के रूप में विख्यात श्री सिवरीनारायण में महानदी के त्रिवेणी संगम तट पर मांघी पूर्णिमा की सांध्यकालीन बेला में महाआरती का विराट आयोजन हुआ, जिसमें लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मेले के मौसम में आसपास के क्षेत्र सहित दूर दराज से आए हुए लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्री सिवरीनारायण मठ पीठाधीश्वर राज्य श्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज एवं संत श्री राम गोपाल दास जी महाराज इसमें विशेष रूप से उपस्थित हुए। आरती का शुभारंभ शाम 7 बजे से हुआ। सुमधुर गीत संगीत एवं विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था से कार्यक्रम काफी मनमोहक था। राज्य श्री महंत जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि सिवरीनारायण में इस नगर की गरिमा के अनुरूप वर्ष में एक बार मांग पूर्णिमा की संध्याकालीन बेला में विगत वर्ष से यह कार्यक्रम चांपा सेवा संस्थान के सहयोग से आयोजित हो रहा है। इस वर्ष भी यह गरिमा पूर्ण आयोजन सा आनंद संपन्न हुआ। आने वाले वर्षों में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। सभी नगर वासियों ने इसे काफी सराहा है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र है। प्रशासनिक अमला की बेहतरीन उपस्थिति चित्रोत्पला गंगा महाआरती को सफल बनाने में, जहां एक ओर सिवरीनारायण मठ ट्रस्ट जी जान से लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका सिवरीनारायण एवं नगर के सभी निवासियों ने अपना यशस्त सहयोग प्रदान किया। साथ ही इसमें प्रशासनिक तंत्र से जिले के पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी जांगीर, नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं थानेदार सिवरीनारायण का पूरे स्टाफ की उपस्थिति से कार्यक्रम काफी सफल हुआ। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सिवरीनारायण नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अंजनी मनोज तिवारी व जन प्रतिनिधियों व थाना स्टाफ अमला व नगर के गणमान्य नागरिक भारी संख्या में उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी यह सिवरीनारायण नगर है। भगवान सिवरीनारायण की यह पावन धरा है। माता सबरी के जन्मभूमि गौरव प्राप्ति नगर को है। चित्रोत्पला गंगा महानदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है और हमारे सिवरीनारायण नगर की जीवनदायिनी नदी तो है ही, उनका आशीर्वाद सिवरीनारायण नगर को है। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग 365 दिन माता गंगा चित्रोत्पला गंगा का संध्या के समय हम लोग पूजा अर्चना करके कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज से 22 वर्ष पूर्व यहाँ के सभी प्रबुद्ध लोगों ने माता सा गंगा का चित्रोत्पला गंगा का आरती करने का बीड़ा उठाया था और आज यह 22वां वर्ष है। चूँकि मांग पूर्णिमा को हमने यह 22 वर्ष पूर्व इस गंगा आरती को प्रारंभ किया था, तो उसे वार्षिकोत्सव रूप में हम लोग मनाते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ कि सिवरीनारायण प्रबुद्ध जनों ने इसको शुरू किया, जिसमें चांपा सेवा संस्थान के सभी हमारे बंधुओं ने आकर के उसमें सहयोग प्रदान किए हैं और बहुत भव्य यह चित्रोत्पला गंगा का महाआरती संपन्न हुआ है। मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। भगवान सिवरीनारायण में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से दुगुने उत्साह के साथ लोग इस महाआरती गंगा आरती में शामिल हों, यही मैं कामना भी करना चाहता हूँ। भगवान सिवरीनारायण से, गौ माता से, जगन्नाथ स्वामी से, चित्रोत्पला महानदी गंगा जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सबको सुख शांति से रखें, धन धान से परिपूर्ण रखें, दुख दर्द सबसे कोसों दूर रहे, यही भावना इसी कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और इस महागंगा आरती में जिस भी लोगों ने, जिस संस्थाओं ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी, सभी पार्षदगण और सभी प्रबुद्ध लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम सिवरीनारायण सेवा संस्थान, चांपा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में माँ भगवती चित्रोत्पला गंगा की महाआरती में हम लोग यहाँ द्वितीय वर्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य प्रकृति का संरक्षण, सनातन धर्म से ही चला आ रहा है कि गाय, गंगा,
और गीता हमारे जो हिंदू धर्म के मान बिंदु हैं उनकी रक्षा हो, जिसके प्रति जो समाज में उदासीनता छाई हुई है उससे जन जागरण का अभियान हम इसके माध्यम से और करते चले आ रहे हैं। महाराज श्री स्वामी श्री राम सुंदर दास जी महंत के कृपा प्रसाद से, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने ये आयोजन किया। उत्साहपूर्वक नगरवासी भी इसमें भाग लिए। हम सभी नगरवासियों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस महा आरती के माध्यम से प्रकृति की सेवा और जो प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, जो पहले गांव में हुआ करता था कि स्वयं होकर के साफ सफाई का ध्यान करते थे, नदी और तालाब में जो खुदाई करके और उसको साफ सुथरा रखा जाता था, जो भूल गए हैं उसको हम फिर से इन आरती महाआरती के माध्यम से और लोगों को जागृति प्रदान करने के लिए इस महाआरती का आयोजन करते चले आ रहे हैं। यही चांपा सेवा संस्थान और शिवरी नारायण सेवा संस्थान का उद्देश्य है। यह लक्ष्य महाआरती का ही रहा है। छत्तीसगढ़ स्वच्छ हो और हमारा आसपास का वातावरण भी स्वच्छ हो। शिवरी नारायण से सुदर्शन मानिकपुरी की रिपोर्ट, ACN 24।